नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शुभम। आप देख रहे हैं टेक इंडिया टेक रिलेटेड वीडियो में आपका स्वागत है। फ्रेंड, इस वीडियो में सैमसंग गैलेक्सी M31s स्मार्टफोन के बारे में बात करूंगा। आपको कैसे टाइप का फीचर्स देखने मिल जाता है, कैमरा में आपको एक नया टाइप का फीचर सैमसंग की तरफ से प्रोवाइड किया गया। फ्रेंड, आपको इस फोन खरीदना है तो वीडियो को लास्ट तक जरूर से देखना। फ्रेंड, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। डिस्प्ले की बात करते तो आपको 6.5 इंच का फुल एचडी प्लस डिस्प्ले देखने को मिल जाता है। पैनल की बात करते तो आपको डिस्प्ले में सुपर एमोलेड डिस्प्ले पैनल देखने को मिल जाता है। डिवाइस में आपको इन्फिनिटी ओ डिस्प्ले टाइप का देखने को मिल जाता है। पंचोल टाइप का फीचर्स नहीं मिलता है इन्फिनिटी ओ। बहुत ही छोटा टाइप का आपको बिंदी नॉच देखने को मिल जाता है, जिसे बताया जाता है। ऊपर के तो आपको बहुत ही कम बेजल और नीचे का तो चिन्ह भी आपको बहुत ही कम देखने को मिल जाता है। डिस्प्ले का ओवरऑल क्वालिटी की बात करें तो आपको बहुत ही अच्छा क्वालिटी का डिस्प्ले आपको देखने मिल जाता है बजट के हिसाब से। फ्रेंड, आपको सुपर एमोलेड डिस्प्ले और IPS डिस्प्ले में कौन सा आपको अच्छा लगता है मुझे कमेंट में पता है। परफॉर्मेंस की बात करें तो आपको डिवाइस में Exynos का 9611 ऑक्टाकोर प्रोसेसर देखने मिल जाता है। प्रोसेसर का आर्किटेक्चर की बात करें तो आपको डिवाइस में 10 नैनोमीटर आर्किटेक्चर में प्रोसेसर देखने मिल जाता है। डिवाइस का रैम की बात करें तो आपको 6GB 8GB रैम बेटन में LPDDR4X रैम आपको मिल जाता है। रोम की अगर बात करते तो आपको 128GB का UFS 2.1 स्टोरेज आपको देखने मिल जाता है। आपको एवरेज क्वालिटी का स्टोरेज आपको देखने मिल जाता है। गेमिंग क्वालिटी की बात करें तो आपको डिवाइस में PUBG HDR अल्ट्रा में आप खेल पाएंगे। गेमिंग ओवरऑल क्वालिटी की बात करें तो आपको इमेज प्रोसेसिंग बहुत ही अच्छा क्वालिटी आपको देखने मिल जाता है। बैटरी बैकअप भी बहुत ही अच्छा कर देता है, आपको प्रोसेसर ज़्यादा पावर कंज्यूम नहीं करता है। ओवरऑल अगर गेमिंग आपका मेन प्रायोरिटी है तो आप प्रोसेसर को ना देखें, क्योंकि सैमसंग का Exynos का 9611 एवरेज क्वालिटी के लिए सही है, लेकिन आपका ओवरऑल मेन प्रायोरिटी आपका गेमिंग है तो आप अदर प्रोसेसर देख सकते हैं, जैसे कि स्नैपड्रैगन का 720G, स्नैपड्रैगन का 730G देख सकते हैं, जिसमें आपको आधा अच्छा क्वालिटी का GPU देखने को मिल जाता है। फ्रेंड, आपको क्या सैमसंग का प्रोसेसर में 961 में कुछ चेंजेस देखना चाहिए थे कभी मुझे कमेंट में बताएं। डिवाइस का कैमरा की बात करें तो आपको रियर में क्वाड कैमरा सेटअप देखने को मिल जाता है। 64 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा, F1.8 एपर्चर, सोनी MX682 का सेंसर भी आपको देखने को मिल जाता है। डिवाइस में आपको 12 मेगापिक्सल का 123 डिग्री अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा भी मिल जाता है। 5 मेगापिक्सल का डेप्थ कैमरा एंड मैक्रो कैमरा देखने को मिल जाता है 5 मेगापिक्सल का। डिवाइस में आपको फ्रंट की तरफ 32 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा देखने को मिल जाता है। डिवाइस में अपना फ्रंट कैमरा और रियर कैमरा से बोथ कैमरा से आप 4K रिकॉर्डिंग कर पाएंगे 30 FPS में। डिवाइस में आपको स्लो मो वीडियोस, एयर डूडल, एयर इमोजी का फीचर्स देखने को मिल जाता है। डिवाइस में आपको जो कैमरा देखने को मिल जाता है बहुत ही इंटेलिजेंट कैमरा आपको देखने को मिल जाता है। जैसे कि आप कोई भी पिक अगर क्लिक करते हैं 16 मेगापिक्सल प्राइमरी कैमरा से, तो आपको कैमरा खुद से आपको बता देता है ये पिक अगर आप 64 में क्लिक करते तो आपको ज़्यादा अच्छा क्वालिटी का आपको कैमरा में इमेज प्रोसेसिंग देखने को मिल जाता है। तो आप इजीली अपना स्विच कर सकते हैं 64 मेगापिक्सल में अपना कैमरा को। डिवाइस में आपको सिंगल टेकबल का भी एक फीचर देखने मिल जाता है, जिसमें कि आपका कैमरा बहुत सारे फोटोज को क्लिक करता है, उसका बाद आप चूज़ कर पाएंगे ये फोटो आपके लिए अच्छा, फिर आप सेव कर पाएंगे। बहुत ही अच्छा क्वालिटी का कैमरा में आपको UI देखने मिल जाता है सैमसंग की तरफ से इस बार। फिर आपको सैमसंग का कैमरा के बारे में क्या लगता है मुझे कमेंट में पता है। बैटरी की बात करें तो आपको डिवाइस में 6000mAh का बहुत ही हाई कैपेसिटी का बैटरी देखने को मिल जाता है। डिवाइस में आपको 25W का चार्जर भी देखने को मिल जाता है। डिवाइस में आपको रिवर्स फास्ट चार्जिंग का भी सपोर्ट मिल जाता है। इस डिवाइस को भी इजीली पावर बैंक के हिसाब से यूज़ कर पाएंगे, अदर डिवाइस को भी अपना डिवाइस का बैटरी से चार्ज कर पाएंगे केबल की मदद से। फ्रेंड, आपको डिवाइस का बैटरी के बारे में क्या लगता है आपको मुझे कमेंट में बताएं। डिवाइस का सिक्योरिटी की बात करें तो आपको डिवाइस में साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर सैमसंग की तरफ से प्रोवाइड किया था। बहुत दिनों के बाद आपको सैमसंग ने साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर प्रोवाइड किया। ये बहुत ही तेज़ी से आपका डिवाइस को अनलॉक कर देता है। डिवाइस में आपको फेस अनलॉक का भी सपोर्ट देखने को मिल जाता है। डिवाइस में आपको जो UI देखने को मिल जाता है सैमसंग का One UI, बहुत ही सिक्योर UI आपको देखने को मिल जाता है। मतलब आपको डिवाइस से कोई डाटा लीक बोले कोई आपको डर नहीं रहेगा, आपको डिवाइस से जो आपको डाटा लीक हो रहा है अदर कंपनी से आपको डाटा लीक करे आपका डिवाइस से, ऐसे टाइप का कोई डर आपको नहीं मिलेगा। बहुत ही आपको सिक्योर आपको सेफ UI आपको देखने को मिल जाता है। सेंसर की बात करें तो आपको डिवाइस पे सारे तरह का सेंसर देखने को मिल जाता है। डिवाइस में आपको साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर भी मिल जाता है, बहुत तेज़ी से आपको डिवाइस को अनलॉक कर देता है। डिवाइस का कुछ फीचर्स की बात करें तो आपको कैमरा टू API का ही सपोर्ट मिल जाता है, आप इजीली अपने डिवाइस में गूगल कैम को यूज़ कर पाएंगे। डिवाइस में आपको वाइड बाय 11 का भी सपोर्ट देखने को मिल जाता है, आप इजीली नेटफ्लिक्स में HD स्ट्रीमिंग कर पाएंगे। डिवाइस में आपको डॉल्बी एटमोस डेडिकेटेड सिम स्लॉट का भी सपोर्ट मिल जाता है। नेटवर्क एंड कनेक्टिविटी की बात करें तो आपको डिवाइस पर डुअल 4G नेटवर्क का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। डिवाइस में आपको वाईफाई, ब्लूटूथ, 3.5mm जैक और USB टाइप सी पोर्ट का भी सपोर्ट देखने को मिल जाता है। OS और एंड्रॉयड की बात करें तो आपको डिवाइस में सैमसंग का One UI 2.1 देखने को मिल जाता है। बहुत ही सिक्योर और सेफ UI आपको देखने को मिल जाता है सैमसंग के तरफ से।
एंड्रॉयड की बात करें तो आपको डिवाइस में एंड्रॉयड 10 आपको मिल जाता है। डिवाइस का प्राइस की बात करें तो 6GB रैम 128GB रोम के साथ है 19,499 में आपको देखने को मिल जाता है। 8GB रैम 128GB रोम के साथ है 21,499 में आपको देखने को मिल जाता है। डिवाइस के प्राइस की अगर बात करते हैं तो 6GB रैम 128GB रोम के साथ है तो थोड़ा ज़्यादा सस्ता होता तो ज़्यादा अच्छा, जैसे कि 17,000 प्राइस रेंज में अगर होता तो बहुत ही अच्छा फ़ोन हो सकता था। अगर 19,000 प्राइस रेंज में बहुत ही हेवी प्राइस हो जाता है फ़ोन का प्राइस, इस प्राइस रेंज में आपको बहुत ही अच्छा क्वालिटी का प्रोसेसर देना चाहिए था जो सैमसंग ने बहुत अच्छा क्वालिटी का प्रोसेसर नहीं दिया, 9611 नहीं दिया। फिर अब चलिए बात करते हैं फोन आपको लेना चाहिए कि नहीं। फिर आपका मेन प्रायोरिटी अगर गेमिंग नहीं है, आपको नॉर्मल डे टू डे लाइफ यूसेज करना है, सैमसंग का फ़ोन ही चाहिए, सेफ और सिक्योर फ़ोन चाहिए आपको, तो फोन आप जरूर से चेक करें। फिर आपका गेमिंग प्रायोरिटी है तो अदर फोन आप देख सकते हो, जिसमें कि आपको स्नैपड्रैगन का 720G, स्नैपड्रैगन का 730G मिल जाता है, वो थोड़ा चेक कर सकते हैं। कैमरा भी आपको बहुत ही अच्छा क्वालिटी का मिल जाता है, इंटेलिजेंट कैमरा। फोन आपको कैसा लगा और फोन आप खरीदने वाले हैं कि नहीं मुझे कमेंट में बताएं। फ्रेंड आपको वीडियो कैसा लगा सैमसंग गैलेक्सी M31s स्मार्टफोन के बारे में आपको क्या लगता है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर से बताएं। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर से प्रेस कर देना, ऐसे टाइप का अनबॉक्सिंग रिव्यू टाइप का वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। फ्रेंड चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।